नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी स्मार्टफोन का अगर से डिस्प्ले खराब हो गया है या फिर उसका अगर से बॉडी खराब हो गया है, बॉडी डैमेज हो गया है, बॉडी टूट गया है, चीर गया है, फूट गया है, तो वो जो तो किस तरीके से उस स्मार्टफोन को, कीपैड स्मार्टफोन को जो तो रिपेयर करते हैं या फिर उसका डिस्प्ले अगर से खराब हो गया है, टूट गया है, तो वो डिस्प्ले किस तरीके से जो तो रिप्लेस करते हैं, डिस्प्ले को जो तो किस तरीके से जो तो चेंज करते हैं, नया डिस्प्ले किस तरीके से लगाते हैं, या फिर अगर से बॉडी खराब हो गया तो ये नई बॉडी इसको जो तो किस तरीके से लगाते हैं, या फिर जो तो किस तरीके से ये जो तो स्मार्टफोन को रिपेयर करते हैं। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या फिर जो तो सिखाऊंगा कि डिस्प्ले किस तरीके से जो तो चेंज कर सकते हैं या फिर बॉडी किस तरीके से जो तो नया आप और स्मार्टफोन को जो अगर से आपके पास खराब हो गया तो न्यू बॉडी किस तरीके से स्मार्टफोन को आप लगा सकते हैं। तो यही जो तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला। तो चलिए फिर वीडियो जो तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले जो तो मैं क्या करता हूँ, ये जो तो स्मार्टफोन है मेरे पास सैमसंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग, और इसका जो तो सामने का ग्लास भी जो तो चीर गया है और ये जो बैक जो पैनल है इसका ये जो भी खराब हो गया और बॉडी भी जो है तो बहुत सारी डैमेज हो गई और इस स्मार्टफोन का जो तो डिस्प्ले भी जो है तो खराब हो गया है। यहाँ पर जो तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो तो लाइट्स लग रही है लेकिन जो तो इसका डिस्प्ले जो तो ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मेरा जो तो फ्लैश है वो ऑफ कर देता हूँ। ओके, और जो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो तो आपको लाइट्स दिख रही होंगी, देख सकते हैं आप इसमें जो तो कीपैड में लाइट आ रही है और इसका जो तो डिस्प्ले में जो तो आपको यहाँ पर जो तो कुछ भी जो तो दिखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के स्टूडियो में जब आपको बताऊंगा किसी कैसे जो है तो ये जो तो नया डिस्प्ले जो तो मैंने परचेस किया है होलसेल मार्केट से, देख सकते हैं आप ये नया जो तो डिस्प्ले है और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो तो मेरे पास बॉडी है स्मार्टफोन की, जो कि मैं आपको जो तो आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये स्मार्टफोन की किस तरीके से जो तो बॉडी आप चेंज कर सकते हैं या फिर जो तो डिस्प्ले किस तरीके से इसमें बिठा सकते हैं। तो मैं जो तो क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका बैक पैनल निकाल लेता हूँ। ओके, मैंने बैक पैनल निकाल लिया, अब मैं इसकी बैटरी जो तो यहाँ से निकाल लूंगा। ओके, मैंने बैटरी भी निकाल ली। अब जो है तो आपको क्या करना है, ऐसे इसके जो स्क्रूस होंगे तो ये जो देख सकते हैं आप ये स्क्रूस जो तो आपको निकाल लेने, 1 2 3 3 4 एंड 5। तो मैं जो तो क्या करता हूँ बड़ी आराम से एक एक जो है तो ऐसे निकाल लेता हूँ। ओके, देख सकते हैं आप मैं जो तो निकाल रहा हूँ अभी। ओके, एक जो है तो मैंने निकाल लिया है, अब जो तो मैं क्या करता हूँ दूसरा निकाल लेता हूँ। ओके, मैंने दूसरा भी जो है तो निकाल लिया है, अब जो तो मैं क्या करूंगा ये तीसरे वाला ऐसे जो है तो निकाल लूंगा। ओके, तीसरा भी जो तो निकाल लिया है मैंने, अब जो तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी चौथा वाला यहाँ पर है, इसी भी जो तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। ओके ओके, तो चौथा भी जो है तो स्क्रू जो है तो मैंने अभी निकाल लिया है। अब जो तो मैं क्या करूंगा इस स्मार्टफोन को जो है तो सॉरी इस कीपैड स्मार्टफोन को जो है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो तो फ्रंट का जो है तो ये जो तो निकाल लूंगा मैं इस तरीके से। ओके ओके, देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको बड़ी आराम से जो तो इसे निकाल लेना है। ओके, देख सकते हैं आप ये जो तो मैंने निकाल लिया और डिस्प्ले जो तो इसका निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तो पुराना वाला डिस्प्ले और ये तो आपके सामने जो तो ये नया डिस्प्ले इस साइड में, ये जो तो नया डिस्प्ले ये वाला और ये जो तो पुराना डिस्प्ले, इसे जो तो मैं साइड में यहाँ पर जो तो रख दूंगा और ये तो नया डिस्प्ले हम जो तो इसे चेंज करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं आप ये जो तो इसका यहाँ पर देख सकते हो मिडल है, यहाँ पर जो तो इसका बॉडी है, इसे भी जो तो बॉडी की जो तो मैं अभी क्या करता हूँ साइड में जो तो इसे रख देता हूँ। और जो देख सकते हैं आप ये भी जो तो इसका खराब हो गया, इसे भी जो तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, और जो तो इसका ये भी जो तो खराब हो गया इसे भी जो तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, दोनों की जो दोनों तीनों चीजें जो तो यहाँ से मैं इसे रख दूंगा। उसके बाद में जो तो हम क्या करेंगे, ये जो तो कुछ मिडल में जो तो मटेरियल्स जो तो बचा है तो ये जो तो मटेरियल जो तो हमें निकालना पड़ेगा ताकि वो जो तो बॉडी है हमें चेंज करना है तो वो मटेरियल जो तो इसमें मैं डाल सकूँ। ये जो देख सकते हैं आप इसका जो तो रिंगर है पीकर देख सकते हैं आप। ओके, ये जो तो मैं यहाँ पर रख दूंगा। ओके, उसके बाद में ये जो तो इसका वाइब्रेटर है, ओके वाइब्रेटर ये भी जो तो यहाँ से मैं निकाल के यहाँ पर रख दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो तो उसका जो यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉर्च होता है तो टॉर्च के लिए जो तो यहाँ पर दिया गया है ये भी जो तो मैं निकाल लेता हूँ उसका। शायद हमारा मिडल अच्छा है, ओके कोई बात नहीं, इसे साइड में मैं रख देता हूँ अभी। अभी जो तो मैं क्या करता हूँ देख सकते हैं आप न्यू बॉडी है, इस बॉडी को मैं जो तो इससे निकाल लेता हूँ। ये बॉडी जो है तो मैंने होलसेल से परचेज किया क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का जो तो काम करता हूँ, इसलिए जो तो मैं जो ये सभी जो है तो मटेरियल जो तो होलसेल में जो तो होलसेल के दाम में मिल जाता है कम से कम प्राइस में। ओके, अब जो तो हम जो तो क्या करेंगे इस बॉडी को जो तो हम खोल लेंगे पूरी तरीके से। ओके, देख सकते हैं आप बॉडी जो तो पूरी मैंने जो तो इस तरीके से खोल ली है। अभी जो है तो मैं इसे और जो है तो
खोल लूंगा अंदर से भी। ओके ये जो तो पैक है अभी। ओके बॉडी भी जो तो मैंने अभी खोल ली है। ओके अब जो है तो मैं जो तो क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका जो तो ये डिस्प्ले है देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका जो तो डिस्प्ले का कनेक्टर जो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो तो इसका कनेक्टर है। तो सबसे पहले मैं जो तो क्या करता हूँ, ये जो तो डिस्प्ले है तो ये डिस्प्ले को इसमें जो तो इस कनेक्टर को जो तो मैंने डाल लिया, यहाँ पर आप देख सकती है डिस्प्ले की जो तो स्ट्रिप है ये वाली, और ये जो तो इसका कनेक्टर था इसमें जो तो मैं इसे डाल लेता हूँ। जैसे मैं इसमें जो तो इसे डाल लेता हूँ तो जो तो आपको इसके बाद में क्या करना है, इस स्ट्रिप को जो है तो पैक जो तो इसमें डाल देना है, और जो तो ऊपर की जो स्ट्रिप है तो इसे जो तो आपको लगा देना है। ओके बड़ी आसानी से। ओके मैंने जो तो लगा दिया देख सकते हैं आप, और इस तरीके से इसे जो तो सामने जो तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके देख सकते हैं आप। ओके और यहाँ पर जो देख देख सकते हैं आप इसका स्ट्रिप जो तो मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया। अब जो तो हम क्या करेंगे, ये जो तो फ्रंट का जो बॉडी है इसका फ्रंट का, तो ये जो तो इसमें जो तो हम अभी इसमें डाल लेंगे। ओके और इसे जो तो आपको बड़ी आसानी से जो तो इसमें बिठा देना है। ओके अच्छी तरीके से जो तो आपको इसमें जो तो बिठाना है उसको, ताकि वो जो तो डिस्प्ले खराब ना हो सके। ओके मैंने जो तो अभी इसमें जो तो ये लगा दिया है। उसके बाद में हम जो तो क्या करेंगे, ये जो तो पीकर है ये पीकर जैसा था वैसा जो तो वहाँ पर जो तो लगा देंगे, ताकि ये जो तो वर्क कर सके। ओके ये पीकर इस तरीके से था, ये पीकर को भी हमने जो तो इस तरीके से लगा दिया। अब रहा है इसका वाइब्रेटर, देख सकते हैं आप ये वाइब्रेटर, ये वाइब्रेटर जैसा था वैसा आपको यहाँ पर जो तो लगा देना है। ओके और उसके बाद जो है तो इसमें का जो तो यहाँ पर आप देख सकती है जो यहाँ से जो तो फ्लैश जो है तो मारता है, तो ये जो तो हमें निकाल लेना है यहाँ से। और जो है तो देख सकते हैं आप ये जो तो मैंने निकाल लिया है बारीक सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जूम करके आपको बताता हूँ अभी। ओके सॉरी मेरे हाथ से नीचे गिर गया। ओके तो यहाँ पर जो तो आप देख सकते हैं ये जो तो बारीक सा जो आपको दिख रहा है। ओके तो ये जो तो आपको क्या करना है, इसमें जो तो फिट कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। ओके मैं जो तो फिट कर लेता हूँ इसे इसमें। ओके फ्रेंड्स ये भी जो तो अभी बैठ गया है। उसके बाद में हम जो तो क्या करेंगे, ये जो तो आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इसे जो तो हम क्या करेंगे अभी जो तो लगा लेंगे। ओके हमारा पीकर जो तो निकल गया है। ओके कोई बात नहीं, इसे हम साइड में रख देंगे और पीकर जो तो लगा लेंगे दोबारा से, रिंगर हमारा जो भी इसे कहते हैं वो, तो देख सकते हैं आप दोनों जो है तो अभी हम फिट कर लेंगे। इसके लिए हमें जो तो इस तरीके से करना पड़ेगा उसे, और इसे जो तो आपको इस तरीके से प्रेस करना है। ओके और अभी जो देख सकते हैं आप ये जो तो पूरा स्मार्टफोन कीपैड स्मार्टफोन जो है तो रेडी हो गया है। अब जो है तो हम जो तो क्या करेंगे, ये जो तो इसका बैटरी है यहाँ पर आप जो है तो देख सकते हैं इसका बैटरी जो है तो हम इसमें जो तो डाल देंगे, और इसी स्मार्टफोन को हम जो तो अभी ऑन करके जो तो चेक करेंगे कि यह स्मार्टफोन ऑन होता है या फिर नहीं होता है, डिस्प्ले इसका आएगा या फिर नहीं आएगा। ओके अभी तो नहीं आया है, कोई बात नहीं हम इसे जो तो पीछे से कुछ तो लगा देंगे ताकि बैटरी अच्छी तरीके से इसमें जो तो लग सके। ओके उसके बाद में हम जो तो इसे ऑन करेंगे दोबारा से। ओके तो देख सकते हैं स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी जो है तो आ गया है, और जो तो बॉडी भी हमने जो तो इसकी चेंज कर ली है। अब जो तो मैं क्या करता हूँ, ये बैक कवर इसे जो तो लगा लेता हूँ इस तरीके से। ओके स्मार्टफोन ओके ऑन हो गया है अभी आपके सामने देख सकते हैं आप। ये जो तो पुराना जो तो इसका बैक कवर मिरर जो तो था उसका देख सकते हैं आप, स्मार्टफोन जो तो अच्छे तरीके से ऑन हो गया है, सैमसंग जो तो नाम लिख के जो तो इसमें आ गया है। तो हमने जो तो देखा आज कि किस तरीके से जो तो कीपैड स्मार्टफोन का डिस्प्ले या फिर बॉडी वगैरह जो तो चेंज किस तरीके से जो तो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप स्मार्टफोन जो तो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पर जो तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अच्छा जो तो हमारे कीपैड स्मार्टफोन जो तो हो गए। ये तो किसी कीपैड मोबाइल छोटा मोबाइल वगैरह आप कहेंगे जो भी आप इसे कह सकते हैं, वो हमारा जो तो अच्छे तरीके से जो तो रिपेयर हो गया है।
तो आज के वीडियो में जब आपको बताया कि किस तरह से कीपैड स्मार्टफोन का जो कोई बॉडी डिस्प्ले वगैरह किस तरीके से जो है तो चेंज कर सकते हैं आप घर बैठे। ओके, तो आशा करता हूँ आपका आज का इस वीडियो आपको जो है तो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा ही लगा होगा तो प्लीज करके वीडियो को प्लीज करके एक लाइक करो, और आपके दिल में कोई भी अगर से सवाल आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज करके जरूर बताओ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।